हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार, आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पार्ट फोर। ठीक है, वैसे तो मैंने पार्ट वन में ही सारा कुछ बता रखा है। जो स्टूडेंट्स पार्ट वन पढ़ लेंगे वहीं से उनका कल्याण हो जाएगा, मगर जो स्टूडेंट अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो वो पार्ट वन टू थ्री फोर सारे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने ESR जो पढ़ी है वो नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और सल्फोनेशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं ESR ऑफ फिनॉल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। देखिए, अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होती है, अगर हम कैसे इसे एक्सप्लेन करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, आप रिएक्शन से थ्योरी लिख लेंगे। ऑर्गेनिक का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि थ्योरी इतनी ज्यादा मायने नहीं रखती है, रिएक्शंस बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस का ध्यान रखें, मगर डेफिनेशन आप रिएक्शन देख के भी बना सकते हैं। देखिए, ये फिनॉल है, इसकी रिएक्शन आपने करा दी CH3Cl से, और यहां पर ले रखा है या तो एनहाइड्रस AlCl3 ले रखा है या फिर आपने FeCl3 ले रखा, और ये जो बना है वो ये बना, यहां OH है, यहां पर CH3 या फिर देखिए, अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे जब फिनॉल की रिएक्शन, देखो यहां पर क्या है, ये फिनॉल है, इधर फिनॉल की रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, AlCl3 या FeCl3, ये एनहाइड्रस हैं, मिथाइल क्लोराइड से या अल्काइल क्लोराइड से या अल्काइल हैलाइड से कराई जाती है, तो आर्थो अल्काइल फिनॉल, यानी अगर मिथाइल है तो आर्थो मिथाइल फिनॉल या फिर पैरा मिथाइल फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कहेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म को। देखिए, विद मैकेनिज्म ये रिएक्शन आते हैं, देखिए क्या होगा, मैकेनिज्म ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इसमें देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, आपने जो AlCl3 या FeCl3 लिया है वो सबसे पहले क्या करेगा, हमारे रिएजेंट CH3Cl से रिएक्शन करेगा और बनाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। बेटा ये जो बना है CH3 जो पॉजिटिव आया है यही तो चाहिए हमें, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, अब जरा देखिए स्टेप सेकंड में, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा, यहां निगेटिव हो जाएगा, यहां पॉजिटिव हो जाएगा, आपने लिया जो CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है बेटा, ये निगेटिव यहां अटैक कर जाएगा, ये बना HCH3, ये और ये इधर हो गया, यहां आया पॉजिटिव। अब स्टेप नंबर थर्ड में देखिएगा क्या होगा, ये जो कार्बोकैटायन यहां बना आरेनियम आयन, ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लीव करा देगा, H प्लस निकालेगा, यहां से क्या निकालेगा, H प्लस को निकालेगा, और ये देखिएगा ये बनेगा OH, यहां लग जाएगा CH3। क्या नाम हो गया इसका, आर्थो मिथाइल फिनॉल। ठीक है,
आर्थोमिथाइल फिनॉल। अगर मैं ये कहूं कि अगर यही अटैक कहां पे होता है, आर्थो पोजीशन पे ना होकर पैरा पोजीशन पे होता तो क्या बनता, पैरा मिथाइल फिनॉल बन जाता। ठीक है, जरा देख लीजिएगा कैसे। ये यही तो बनना है। अब ये अटैक यहां से यहां करा दीजिए, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव इस पर पॉजिटिव पर अटैक कर देगा और ये जो बनेगा वो ये बनेगा यहां CH3, यहां H, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये आपका OH है। अब स्टेप नेक्स्ट में क्या होगा बेटा, नेक्स्ट स्टेप में यहां का H+ निकल जाएगा, देखो यहां का H+ निकले और ये बनेगा OH, यहां रहेगा और यहां बॉन्ड आ जाएगा और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा क्या, पैरा मिथाइल फिनॉल। क्लियर है? ठीक है, ये था फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब जरा देखिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। वो क्या है, ये जब अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन होती है फिनॉल की, ठीक है, तो इसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यही अगर आपकी असाइल हैलाइड से हो तो इसे क्या कहेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखिए जरा, देखिए फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ नहीं है इस रिएक्शन में, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। आपने फिनॉल लिया और आपने रिएक्शन करा दी कोई असाइल हैलाइड, मींस अगर आपने यहां CH3 ले रखा और यहां CL ले रखा तो इसे कहेंगे एसिटिल क्लोराइड। क्या कहेंगे, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन करा दीजिएगा तो क्या होगा, एक तो आर्थो वाला हाइड्रोजन और एक पैरा वाला, दो मॉलिक्यूल लेंगे यहां, दो इसके लेंगे, तो जो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है वो ये है, यहां पर एक आर्थो पर COCH3 बनेगा और एक पैरा पर बनेगा, बेटा इसका क्या नाम होगा, आपका हो जाएगा आर्थो एसिटिल फिनॉल और ये हो जाएगा पैरा एसिटिल फिनॉल। ठीक है, तो इसको चलिए मैकेनिज्म की तरह देख लेते हैं, मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं इसकी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म में क्या है, सबसे पहला जो काम है वो जो AlCl3 या FeCl3 लिया उसने रिएक्शन की CH3COCl से, यहां से ये इसका Cl नेगेटिव ले जाएगा तो ये बनेगा CH3CO पॉजिटिव प्लस, ये C है, प्लस AlCl4 नेगेटिव। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप सेकंड में देखिएगा क्या होगा, ये जो हमें मिलना चाहिए था, जो हमें चाहिए था, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल, यही तो चाहिए है, तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा बन चुका है। अब जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा क्या करेगा, अटैक करेगा, कहां करेगा, जरा देखिए फिनॉल में, या तो आर्थो पोजिशन पर या पैरा पोजिशन, पोजिशन ये है, दिस इज फिनॉल, ये वाली पोजिशन आर्थो है, यहां निगेटिव हो गया, यहां पॉजिटिव हो गया और आप देख रहे हैं जो आपका CH3CO पॉजिटिव था इस पर इसने अटैक कर दिया और ये यहां ऐड हो गया। तो यहां देखिए, यहां पर OH है, यहां क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया और यहां COCH3 जुड़ा, यहां H। ठीक है, अब स्टेप नंबर नेक्स्ट देखिएगा, OH यहां पॉजिटिव है, यहां H, यहां COCH3, बेटा होगा क्या, ये जो अरेनियम आयन है यहां से H यहां शिफ्ट होगा, H+ निकल जाएगा, जब H+ निकल जाएगा तो ये बनेगा यहां OH और यहां COCH3।
ये क्या बन गया आपका, बना आर्थोएसिटिल फिनॉल। क्या बना? आर्थोएसिटिल फिनॉल बना। अब अगर यही हम पैरा पोजीशन पे कराते हैं तो जरा देखिए पैरा एसिटिल फिनॉल कैसे बनेगा। तो आप सबसे पहले वही कंडीशन है AlCl3 प्लस CH3 COCl से रिएक्शन होगी और बेटा बनेगा AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3CO पॉजिटिव। ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जो हमारे काम का है, ठीक है। स्टेप नेक्स्ट में देखिएगा, अब हम जो अटैक दिखाएंगे वही इंपॉर्टेंट है। यहां अटैक दिखाएंगे आर्थो पोजीशन पे, ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, रिएक्शन किसके साथ होनी है, कहां अटैक होना है, CH3CO पॉजिटिव पर। पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, ये नेगेटिव अटैक करेगा, ठीक है। अब नेगेटिव ने जैसे अटैक किया तो ये बना, यहां आया पॉजिटिव, ये आपका H है और यहां COCH3 और ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है इधर। अब स्टेप नेक्स्ट देखिएगा, ये इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा और देखिए ये बन जाएगा H प्लस, ठीक है, और ये बना OH इधर COCH3। ये होगा हमारा पैरा एसिटिल, क्या हुआ, पैरा एसिटिल फिनॉल, निकल के आ गया H प्लस। अब जरा देखिए जो H प्लस निकला है ये कहां जाएगा, बदला लेने AlCl4 नेगेटिव से, और यहां से ये अपना क्लोरीन छीन के लाएगा, बनाएगा HCl प्लस AlCl3, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर एसाइलेशन, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन और फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन पढ़ा। इसमें एसाइलेशन और अल्काइलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप R और X लेते हैं, मतलब जैसे CH3Cl, तो इसे कहेंगे फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर आप RCOX लेते हैं, यानी RCOX का मतलब जैसे CH3COCl एक एग्जांपल ले लिया, अगर ये लेते हैं तो इसे कहेंगे फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। ये थी ESR ऑफ फिनॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैंने आपको बताया, मैंने कहा जिन स्टूडेंट्स को अगर लगता है कि ये बहुत ज्यादा डिटेल में हो रहा है तो वो लेक्चर फर्स्ट फिनॉल का पढ़ लें, उसमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सब दे रखा है बहुत ही अच्छे तरीके से, और वहां से आपका जो होगा कल्याण हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। और इसके बाद अगर जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है तो वो चाहे तो लेक्चर सेकंड थर्ड फोर्थ को भी पढ़ सकता है, जिसको मैंने इलेबोरेट करके पढ़ाया है, ठीक है। थैंक यू।